All right, guys, welcome back to the channel. Welcome once again. जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में प्रॉमिस किया था कि करंदड़े पनवेल का पूरे सेक्टर्स एंड ऑल करंदड़े व्यू एक्सप्लोर करूंगा, तो देख सकते हैं भाई साहब, ये रहा पूरा करंदड़े। और एक मिनट रुक जाते हैं, थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कहाँ से स्टार्ट होता है। तो देख सकते हो ये है करंबोली पलवन, ये है करंबोली पनवेल JNPT का टी पॉइंट। यहाँ से सीधा जाओगे तो करंबोली सर्कल, यहाँ से इधर जाओगे तो करंबोली सर्कल, स्ट्रेट जाओगे तो JNPT उरन, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ इस तरफ जाओगे तो परसपा पाटा अजीवली वगैरह जो है उस साइड में, पनवेल साइड में, यहाँ से भी जा सकते हो, ठीक है। तो और ये जो रेलवे ट्रैक दिख रहा है वो स्पेशली मालगाड़ी के लिए है, पनवेल जो उरन JNPT जाती है वो मालगाड़ी के लिए ये ट्रैक है। तो ये रहा पूरा व्यू ऑफ करंदड़े, और उस साइड का हाईवे है, एयरपोर्ट साइड भी थोड़ा बहुत आगे वाले, इसमें सब कुछ दिखाई दूंगा। तो ये रहा पूरा, यहाँ से स्टार्ट होता है करंदड़े से लेके यहाँ से आगे आगे लास्ट तक पूरा करंदड़े है। और वो दिख रहा है वो आगे वाला जो टावर दिख रहा है ना, वो प्लस पर फाटा है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी दिस ब्यूटीफुल नोड से। तो ये पूरा JNPT पनवेल हाईवे है जो ऊपर से जा रहा है, और देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड है पूरा, करंजाड़े के लिए आपको लेफ्ट लेना है, करंजाड़े के लिए लेफ्ट लेना है, पिल्लई कॉलेज अगर जाना है तो स्ट्रेट है पिल्लई कॉलेज, और ये कॉलेज कौन सा है, गोवा के लिए स्ट्रेट है, और कॉलेज के लिए राइट दिख रहा है, शायद पिल्लई कॉलेज के लिए राइट बोल रहा है वो। और लेफ्ट साइड में ये जो है वो है करंदड़े, और यहाँ से अपन भाई साहब करंदड़े में एंटर होगे। सारे सेक्टर्स और करंदड़े का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी आपको सारा दिखाऊंगा। पहले स्टार्ट करते हैं आगे आगे, और उधर से फिर जाएंगे पीछे पीछे करंदड़े के, ठीक है। और ये रहा रेलवे ट्रैक, अगर आपको हाईवे टच करना है तो ये रेलवे ट्रैक एक तो क्रॉस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको डायरेक्टली करंबोली सर्कल से राउंड मार के इधर आना पड़ेगा, तो ये एक परफेक्ट है। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एंटर हो चुके हैं करंदड़े में। गाइस देख सकते हैं रोड की थोड़ी कंडीशन ख़राब दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि अभी भी देखो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन देख सकते हो आप, अच्छी तरीके से पूरा कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स वगैरह हो रहा है। वाओ ऑसम, रोड थोड़े ख़राब है लेकिन नो प्रॉब्लम, यहाँ पे भी ज़बरदस्त तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ से लेफ्ट ले लेते, एकदम एकदम लास्ट लास्ट में है हम लोग करंदड़े के, और ये है प्लॉट नंबर 136 सेक्टर 4 करंदड़े पनवेल, सेक्टर 4 है ये करंदड़े का। तो देख सकते हो यहाँ पे शॉप्स वगैरह सारे कुछ, शॉप्स वगैरह सारा कुछ रेडी है। लेफ्ट साइड में भी जाएंगे, पहले आगे वाला एक्सप्लोर करके फिर वापस आएंगे। तो ये है सेक्टर 4 करंदड़े पनवेल, और यहाँ का पिन कोड 410। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप फ्लैट ले सकते हो अराउंड 1 BHK 35 लाख, 2 BHK 60-65 लाख, रेफरेंस प्राइजेस है यहाँ पे देख सकते हो, सम सटपंथ होम्स प्राइवेट लिमिटेड, और रिलायंस स्मार्ट पॉइंट 410-206 सेक्टर 4 के बाद ये स्टार्ट हो गया है सेक्टर 3 रिलायंस स्मार्ट पॉइंट। देख सकते हो भीड़ कितना है, डी मार्ट भी है यहाँ पे, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट भी है नियर अबाउट, तो रेडी टू मूव फ्लैट है तो यहाँ पे आ सकते हो आप। और ये रहा सेक्टर 3 ऑफ करंदड़े, और पिन कोड है यहाँ का सेक्टर, और यहाँ का पिन कोड है 410-206 सेक्टर 3 करंदड़े। तो देख सकते हो बिल्डिंग्स टावर्स वगैरह अच्छी तरीके से, आपको आज पूरा करंदड़े का व्यू दूंगा, पूरा एक्सप्लोर करके अच्छी तरीके से जाएंगे। बाप रे, बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है करंदड़े में, 3-4 साल पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और यहाँ पे थोड़ा सा साइड रोड के साइड में मार्केट बैठा है, मतलब मार्केट लगता है शायद से, तो है ऐसा कुछ। तो आगे आगे वो लास्ट तक जाएंगे, ये देख सकते हो पूरा करंदड़े
सेक्टर 4, और वहाँ पे सेक्टर 4 फिर से सेक्टर 3 ख़त्म हो गया और यहाँ फिर से सेक्टर 4 चालू हो गया। और यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो ट्रेकिंग वगैरह के लिए करंदाड़े हिल्स है, तो यहाँ पे आप सैटरडे संडे अगर आपको छुट्टी है तो ये हिल्स पे भी ट्रेक कर सकते हो, तो एक ये बेनिफिशियल है। और देख सकते हो उधर साइड हाईवे, इस साइड कुछ भी नहीं है। और अपन ले लेते हैं अभी लेफ्ट साइड, और ये चालू हुआ सेक्टर 5 भूखंड क्रमांक 24 प्लॉट नंबर, ये देख सकते हो प्लॉट नंबर 28 सेक्टर 5 करंदाड़े पनवेल 410-206। वाव, और ये है करंदाड़े का स्टॉप जहाँ पे ऑटो रिक्शा वाले पूरे खड़े हैं। और इधर से भी आगे नहीं जाऊँगा मैं, आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा यहाँ का व्यू पूरा, अगर एक्सप्लोर करूँगा तो ये व्लॉग भी कम पड़ जाएगा। और यहाँ पे ये नवा बिल्डिंग बन चुके हैं करंदाड़े का, जो है संकल्प रियलिटी। संकल्प रियलिटी का एक पुष्पक नगर में भी था, और यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे। और ये टाटा पावर हाउस, ओके, टाटा पावर का एक जंक्शन पॉइंट है, सब स्टेशन है शायद से। यहाँ पे एक ग्राउंड जो बच्चे वगैरह खेल रहे हैं। सेक्टर 4 में एंटर हो चुके हैं ऑफ करंदाड़े, सेक्टर 4 अभी ख़त्म होगा आगे जाके। 3, 4, 5 का पूरा अच्छी तरीके से व्यू दे दिया मैंने आपको करंदाड़े। एक मिडल में रोड आता है गाइस, वो दिखाऊंगा मैं, वो उस साइड में थोड़े सेक्टर्स है और इस साइड में थोड़े सेक्टर्स है, ऐसा डिवाइडेड है पूरा करंदाड़े। और आगे देख सकते हो टाटा का पावर सब स्टेशन भी है यहाँ पे। और ये कौन सा सेक्टर है, सेक्टर 3, यस सेक्टर उस साइड में गए थे, 3 ही सेक्टर है। आगे चलते हैं, नीलाशिमा, बहुत सारे टावर्स, मतलब यहाँ पे रेडी टू मूव आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब हॉस्पिटल्स, पूरे हॉस्पिटल्स, मेडिकल, सारा कुछ अवेलेबल है गाइस। अच्छी तरीके से डेवलप हो चुका है करंदाड़े पनवेल। तो यहाँ से राइट ले लेते हैं, और वामन अमृत तुल्य चाय 10 रुपीज़, ओके, जस्ट लाइक, तो यहाँ पे टी भी ले सकते हो आप। और ये है ऐसा कुछ, और ये रहा सेक्टर 5, 3, 4, 5। और यहाँ से अभी लेंगे लेफ्ट, और नए जो सेक्टर यहाँ पे डेवलप हो चुके हैं वहाँ पे जाएंगे। तो नए सेक्टर यहाँ पे डेवलप हो चुके हैं ना, वहाँ पे जाएंगे। अभी देख लो, ये देखो मैंने बोला था ना आपको, एक हाईवे है, यही हाईवे है जो इस साइड में थोड़ा सा सेक्टर है और उस साइड में थोड़ा सा सेक्टर है। अभी ये साइड के जो भी सेक्टर्स है वो पूरा डेवलप्ड हो रहे हैं, या फिर कुछ कुछ डेवलप्ड हो चुके हैं, एंड इस साइड के पूरे डेवलप हो चुके हैं, मतलब 3, 4, 5 जो है इस साइड में सेक्टर वो डेवलप हो चुके हैं, और इस साइड में डेवलप होने वाले और कुछ कुछ डेवलप हो गए। बैक में देखते हैं कोई है क्या, कोई नहीं है, गाड़ी डाल सकते हैं, इंडिकेटर डाल के प्रॉपर रूल फॉलो करके। और यहाँ पे देख सकते हो ये है मधुकर धुमावास, ओके, और ये बिल्डिंग अभी जस्ट कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। और ये भी आता है R4, अच्छा R4 में आता है सेक्टर R4, R3 ऐसा करके डिवाइडेड है, R1, R2, R3। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कुछ कुछ फ्लैट अभी जस्ट कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, शॉप तो पूरे अवेलेबल है। और ये देख सकते हो आगे मुझे कुछ दिख रहा है, ओके, वो भी, तो ये देख सकते हो प्लॉट नंबर 214 सेक्टर R4, ये देखो R4 है, आगे R3, R2, R1 ऐसा है यहाँ पे। और इस साइड में भी सेक्टर, पीछे साइड में सेक्टर, उस साइड में लास्ट में सेक्टर 3, 4, 5 आप जैसे मैंने आपको दिखाया। और देख सकते हो वहाँ पे फ्लैट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इस फ्लैट के इस इधर आपको पूरा अच्छा टावर मिल जाएगा। प्राइजेस, रेफरेंस प्राइजेस ऑलरेडी शेयर है, तो यहाँ पे भी आप बुक कर सकते हो। यहाँ पे 1 आवर के भी अच्छे तरीके से अवेलेबल है, जो पुष्पक नगर में नहीं था। प्राइस रेंज की बात करूँ तो लगभग उनवे से करंदाड़े के प्राइजेस सिमिलर ही है। और यहाँ पे भी देख सकते हो बुकिंग ऑफिस, ये पूरे सेक्टर जो है ये सेक्टर R4, यहाँ पे सिडको का बोर्ड है, सेक्टर R4 कोपर, ये सेक्टर R4 करंदाड़े पुष्पक वडगर पनवेल, ओके, पुष्पक वडगर पनवेल,
ये पूरा एड्रेस है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे एक टेंपल भी है, एक ब्यूटीफुल सा टेंपल। और इस साइड के सारे जो फ्लैट्स हैं ना, वो जस्ट अब भी डेवलप हो चुके हैं। और आगे आगे फिर से आप हाईवे टच होगा, तो यहाँ से अपन जाएंगे सीधा सीधा और देखेंगे कैसा है। और राइट साइड में भी राइट लेके, और देखो सेक्टर R3 R4 गया, अभी R3 है, प्लॉट नंबर 308। और यहाँ से लेफ्ट लाएंगे तो JNPT उरन वाला हाईवे या फिर कलमबोरी साइड वाला हाईवे आप पकड़ सकते हो। लेकिन यहाँ से हम लोग आगे से राइट लेंगे और उस साइड में भी एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो एक ब्यूटीफुल सा टेम्पल अंडर कंस्ट्रक्शन है। सिडको का मुझे यही पसंद है, पूरा डेडिकेटेडली टेम्पल, फ्यूल स्टेशन, डी मार्ट, रिलायंस, ग्रॉसरी के लिए अच्छा खासा ये कर देते हैं, मतलब अलोकेशन, जगह के अलोकेशन प्रॉपरली करते थे। और ये है वडगर, मतलब करंजाड़े के नियर अबाउट, करंजाड़े में ही आता है वडगर, चिंचपाड़ा सेक्टर, प्लॉट नंबर 34, R3 पुष्पक नोड वडगर। इस साइड को जो बोलते हैं वो है वडगर, सेम ही है करंदाड़े के नियर अबाउट। तो ये कुछ है लगभग टेंपल जो अभी देख सकते हो, वडगर चिंचपाड़ा। यस, ये अभी डेवलपिंग में है, टेंपल बन जाएगा अगले एक साल नहीं तो भी 6 महीने में बन सकते, तो भी 6 महीने में बन जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो बस थांबा, बस के लिए प्रॉपर प्लान है, ये जो है पूरा ये बस स्टेशन है, बस पूरा यहाँ पे रुकेगी आगे जाके। अभी तो नहीं आती है क्योंकि अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से बस थांबा, मतलब बस स्टॉप भी है जहाँ पे ये सिडको ने, गाइस जहाँ जहाँ सिडको बना रही है वो वेल प्लान रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देख सकते हो पूरी ग्राउंड रिपोर्ट करंजाड़े वडगर की आपके सामने। तो सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक की आपको अच्छी लग रही होगी, तो गाइस आप वीडियो को लाइक करना मत भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपको मैं इतने अच्छे अच्छे ग्राउंड रिपोर्ट्स नवी मुंबई के हर एक एरिया से आपको दे पाऊंगा। तो ये रहा पूरा सेक्टर R3 R4। और देख सकते हो यहाँ पे आपको फ्लैट की थोड़ी रेट कम मिलेगी, क्योंकि अभी नए नए फ्लैट से अराउंड 35 लाख्स ऑनवर्ड्स आपको 1 BHK मिल जाएगा, लेकिन पूरा डेवलप है। और ये जो सीधा जाता है, ये जाता है कलमबोली सर्कल में। यस गाइस, कलमबोली सर्कल में जाता है। और आगे से भी हम लोग अंदर से जाएंगे और फिर से बाहर आएंगे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले और बाजू की जो बेल आइकन है, सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, सो दैट नए वीडियो जो भी आएंगे नवी मुंबई से रिलेटेड तो आपको उसके नोटिफिकेशन फटाक से आ जाएंगे। मैं अभी नवी मुंबई एक्सप्लोर कर रहा हूँ, MTHL, नवी मुंबई, मुंबई कोस्टल रोड, नवी मुंबई के सारे न्यू डेवलपिंग डेवलप्ड एरिया पूरा एक्सप्लोर करता हूँ। और इसके लिए अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हो सब्सक्राइब करके और लाइक करके, जो बिल्कुल फ्री है। यस गाइस, जो बिल्कुल फ्री है, तो इसमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो ये पूरा अंडर डेवलप्ड है, 3-3 जन गाड़ी पे बैठ के जा रहे हैं। ऐसा मत करो गाइस, रूल्स फॉलो करो यार, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, आपके लिए डेंजर है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं लास्ट तक आ चुका हूँ, आगे एक क्रीक है जो एयरपोर्ट को डाइवर्ट की है ना, वो नदी वही है वो, तो उसके पार में ही जा सकते। और ये देख सकते हैं सेक्टर R5 R3 R4 R5, यहाँ पे एड्रेस देख सकते हो, सिद्धिविनायक आरंभ, प्लॉट नंबर 66, सेक्टर R5 करंजाड़े, चिंचपाड़ा वडगर, वही करंजाड़े वडगर एक ही एरिया में आते हैं वो। मेरा ये देख सकते हो प्लॉट नंबर 66, सेक्टर R5 वडगर। किस किस पे करंजाड़े लिखा है, किस किस पे वडगर लिखा है, तो ये है नियर अबाउट है, उस साइड में करंजाड़ी लिखा है, इस साइड में वडगर लिखा है, चिंचपाड़ा और कुछ कुछ बिल्डिंग्स में लिखा है करंजाड़े, इस साइड के बिल्डिंग में भी कुछ कुछ जगह पे करंजाड़े लिखा है। तो ये है और अच्छा खासा है, पूरा हाईवे टच है, नियर अबाउट स्टेशन है पनवेल स्टेशन। यहाँ पे कैसे आना है ऑलरेडी बता चुका हूँ, कलमबोली पनवेल JNPT जो है टी पॉइंट है गूगल, वहाँ से आपको स्ट्रेट आके लेफ्ट लेना है, जो रेलवे फाटक मिलेगा उधर से लेफ्ट मार के आ सकता है, या फिर आप ये हाईवे पकड़ से करमबोली से लेफ्ट आके ये सर्विस रोड से अंदर आ सकते हो। अभी अपन लेंगे लेफ्ट और इसके अंदर घुस के पूरा एक्सप्लोर करेंगे कैसा है,
सब कुछ यार, आया हूँ तो अभी आपको सब अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे ही दूंगा, आप टेंशन मत लो। और यहाँ के रोड अभी डेवलप हो रहे हैं, रोड की कंडीशन उतनी ठीक नहीं है क्योंकि डेवलपिंग एरिया है, आप भी थोड़ा समझा करो, एकदम से कोई चीज़ें नहीं बनती है, लेकिन आगे जाके ये भी अच्छे खासे बन जाएंगे। और ये देख सकते हो यहाँ पे है प्लॉट नंबर सेक्टर R3, यस R3 में यहाँ पे देख सकते हो। रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे थोड़ा प्राइजेस कम मिलेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको प्राइजेस प्लॉट के कम मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड, मतलब पूरा कंस्ट्रक्शन होने के, मतलब एज़ कम्पेयर टू आपको जो मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसमें कम प्राइजेस मिलेगा और कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में ज़्यादा प्राइजेस मिलेंगे। ये है सेक्टर R3 प्लॉट नंबर 130। और आगे जाके अपन राइट टर्न ले लेंगे, अंदर से आए हैं, एक टेम्पल भी आपको ब्यूटीफुल सा दिखाया। तो एज़ कम्पेयर टू उलवे थोड़े रोड ये है इनके, लेकिन नो वरीज, अच्छे खासे है, अच्छी खासी डेवलप हो गई है, कोई बात नहीं, नो इश्यूज। और देख सकते हो यहाँ पे एक ग्राउंड है, सिडको का वेल प्लान सिटी है, ग्राउंड भी है यहाँ पे, तो कोई टेंशन नहीं है, पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने। यहाँ से राइट ले लेंगे, होप सो रास्ता होगा, यस आगे से रास्ता है। और आगे से अपन जाएंगे कलंबोली सर्कल से, वहाँ से जाएंगे सो दैट हाईवे पकड़ के आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे एक छोटा सा सब्जी का मार्केट है और ये देख सकते हो पूरा करंदाड़े, तो आगे आगे स्ट्रेट जाके देखेंगे कैसा है करंदाड़े। टी स्टॉल दुकान भाई साहब, श्रीलांस स्मॉल पॉइंट, डी मार्ट भी नियर अबाउट 15-20 मिनट्स है। तो ये रहा पूरा करंदाड़े, R4 में फिर से आ गए अपन, अच्छे है, जोरों शोरों से यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नो वरीज। एयरपोर्ट भी नज़दीक है, एयरपोर्ट के बैक साइड में है। और एक यहाँ पे भी एक टेम्पल है, लेट्स एक्सप्लोर दिस टेम्पल, बाहर से ही, अंदर जाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये देखो एक टेम्पल है, बाहर से आपको एक्सप्लोर करता हूँ, दो टेम्पल है यहाँ पे, एक वो टेम्पल था जो अंडर कंस्ट्रक्शन में, और लेफ्ट साइड में एक टेम्पल है वो भी दिखा दूँगा। होप सो यहाँ पे जाने का रास्ता होगा, और यहाँ पे बच्चे वगैरह खेल रहे हैं। ओके, स्वयंभू चिंतामणि गणेश मंदिर श्री क्षेत्र, ओके कोपर स्थापना 8/2/21, ओके स्वयंभू गणेश मंदिर है, ब्यूटीफुल स्वयंभू गणेश मंदिर इन फ्रंट ऑफ यू। तो करंदोड़ में ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे आने के बाद, स्वयंभू चिंतामणि गणेश मंदिर कोपर। और यहाँ पे भी बैठने के लिए जाना, जो गणेश की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे स्वयंभू है, तो यहाँ पे भी एक बार ज़रूर विज़िट करें। और वहाँ पे भी एक टेंपल है अंडर कंस्ट्रक्शन में, और ये आता है R3 में आता है कोपर। अंदर नहीं जाएंगे गाइस क्योंकि अभी टाइम कम है। तो ये रहा गाइस पूरा मंदिर, अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया है, स्वयंभू चिंतामणि गणेश मंदिर R4 में आता है कोपर, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, लगभग सारे सेक्टर मैंने यहाँ पे करंदाड़े वडघर के पूरे सेक्टर अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किए हैं। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, हेलो बच्चे खेल रहे हैं और मस्त भैया एंजॉय कर रहे हैं। और आगे देख सकते हो आगे भी एक है जो पूरा नदी है यार, यहाँ से नहीं जा सकते, आगे से जाके देखेंगे क्या है, जो नदी डाइवर्ट हो चुकी है ना वही है। ओके okay.
ओके तो गाइज अभी ये देख सकते हो ये छोटा सा पानी वगैरह जो एयरपोर्ट के उधर का है ना वो शायद से है, और अभी पूरा कुछ सारा कुछ एक्सप्लोर कर दिया है। अभी हाईवे टच करेंगे फिर से, सेक्टर R4 में आ चुके हैं और फिर से अभी राइट लेंगे और हाईवे को टच कर लेंगे। जो भी रेलवे फाटक है वो भी दिखाऊंगा आपको, कहाँ से जहाँ से मैं आया था वहीं से आपको सारा कुछ एक्सप्लोर, वहाँ से ही जाऊँगा। देख सकते हो फिर से हम लोग उसी रास्ते टच हो गए हैं। देखो गाइस यहाँ से हम लोग एंटर हो चुके थे, यहाँ से एंटर हो चुके थे, अभी वहाँ से वापस जा रहे। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा? पूरे तरीके से अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है आपको। अगर वीडियो अच्छा लग रहा, मतलब अच्छा लगा होगा, तो गाइस ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी देखना है, ऐसे ही वीडियो अगर आपको आगे ही देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर। तो और फिर से हम लोग सेक्टर 3, 4, 5 जो है ना उधर जा रहे हैं। तो गाइस फिर से हम लोग ये रास्ता क्रॉस करके यहाँ पे देख सकते हो डीमार्ट रेडी और ये सारा हॉस्पिटल वगैरह है, यहाँ से मैं आया था, अभी वहाँ से मैं जा रहा हूँ। तो गाइस सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने अच्छी तरीके से करण दाड़ी वडगर की जो है वो अच्छी तरीके से मैंने दे दी है, और हो गई है शाम। और ये हिल्स जो है वो है करण दाड़ी हिल्स, जहाँ पे आप सैटरडे संडे ट्रेक कर सकते हो, मैंने बोला था। तो ये रहा गाइस पूरा ग्राउंड रिपोर्ट ऑफ करण दाड़ी पनवेल न्यू मुंबई। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार प्लीज़ सपोर्ट करो, एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए एज यूजुअल जय हिंद, वंदे मातरम, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू वेरी मच।